all about our in which we learned about malaria. Now today, students, we will start learning about anemia. आज हम पढ़ेंगे अनीमिया के बारे में. आज हम क्या पढ़ेंगे? अनीमिया. तो अनीमिया इज अनदर डिजीज. ये भी एक तरह की बीमारी है. ओके, सो हु विल रीड द टेक्स्ट? आपकी. हाँ आराध्या, यस स्टार्ट रीडिंग. कहिए. You know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe too long. The blood test showed that I had anemia. Yes, here Aarti is speaking something in the class. Aarti, क्या कह रही है? You know, आपको पता है. I also had to get a blood test done. मुझे भी एक blood test करवाना पड़ा था. है ना, ये भी एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा था. बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड. लेकिन मेरा जब ब्लड टेस्ट हुआ तो पूरा एक सिरिंज ब्लड निकाल लिया. और रजत ने क्या कहा? दे टुक ओनली 2 to 3 drops ऑफ ब्लड. यस, बट आरती इज सेइंग हियर दैट दे टुक अ फुल सिरिंज ऑफ ब्लड. है ना, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट दे आर गोइंग टू परफॉर्म. किस तरह का टेस्ट करने वाले हैं वो आपके ब्लड से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड की क्वांटिटी क्या होगी. ओके, तो व्हाट इज आरती सेइंग हियर? दैट द डॉक्टर लैब अटेंडेंट टुक अ फुल सिरिंज ऑफ ब्लड. डू यू नो द मीनिंग ऑफ सिरिंज? यस सर. व्हाट इज इट? सुई. सर, सुई पिचकारी. हां, जिस सुई जिससे हमको इंजेक्शन लगाया जाता है ना हमारी बॉडी में. सुई या पिचकारी भी कहते हैं, क्योंकि पिचकारी ही है वो, है ना. चलिए, द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया. और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो आरती को कौन सी डिजीज थी, कौन सी बीमारी थी? एनीमिया. एनीमिया. एंड नाउ इट इज डिफरेंट डिजीज फ्रॉम मलेरिया. सर प्लीज साइड. ओके, नाउ गजत इज सेइंग व्हाट इज दैट. अब गजत तू क्या पूछते हैं? व्हाट इज दैट? ये है क्या? सर प्लीज सर, जस्ट वेट बेटा. व्हाट इज दैट? आई विल सेंड इट टू यू लेटर. आई विल सेंड द रिटन टेस्ट लेटर. इट वाज जस्ट अ क्लास टेस्ट. यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर कॉपी. इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. ओके सर, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं. आई विल सेंड इट. ओके सर, लिसन टू मी. आप मेरी बातें सुन लो, ठीक है? हाँ, अरे आपको करना ये है कि आप सिर्फ मुझे सुन लो. सो व्हाट इज गजत सेइंग हियर? व्हाट इज दैट? अब ये अनीमिया क्या है? नाउ सुगांश, विल यू रीड द नेक्स्ट पार्ट? यस सर. हाँ कहिए. सर आप ही बोले सुगांश. हाँ सुगांश. यस सर. हाँ पढ़ो बेटा. स्टार्ट गेटिंग. हाँ सर, मैं पढ़ू? सुगांश, सुगांश विल रीड. ओके सर, रुक जाइए, मैं भाई अभी रीडिंग करता हूँ. I am asking Sugyans to read. Sugyansu, what are you doing? Yes, sir. Why don't you start? Jaldi shuru karo. Do you have a book? The doctor said. हाँ. बताइए. The doctor said that there is a less hemoglobin. Hemoglobin. What is it? Hemoglobin. हाँ. Hemoglobin. Hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicine to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla, and
amla and more green leaves vegetables because these have iron. Yes. What has Aarti said here? Aarti ne yahan kya kaha hai? Listen it carefully, beta. Jara dhyan se sunna. Sir, mujhe mil nahi raha hai. Sir, main bhi nahi karunga. On page number 69. It is on page number 69. Sir, kahan se? Page number 69. Yes, we have read the part of Aarti. Doctor said, ab doctor ne kya kaha? That there is less hemoglobin. Anemia ka matlab kya hota hai? Hemoglobin ki kami. Aur aap jante ho hemoglobin kisko kehte hain hum? What is hemoglobin? Hemoglobin kya hota hai? Red cells in blood. हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? इसको हम आयरन भी कह सकते हैं. इसको हम आयरन भी कह सकते हैं. मैं भी ड्यूटी करूंगा. डोंट डिस्टर्ब प्लीज. प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब. Let me explain it first. Let me explain. Sir, मैं भी करूँगा. Just wait, बेटा. Wait for your chance. अच्छा. Sir, मैं भी करूँगा. हाँ, तो अनी बताइए मुझे फिर अनीमिया क्या होती है? What is anemia? Sir, मैं करूँगा. अनीमिया क्या है ये बताइए, उसके बाद आप पढ़ना. अनीमिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज. क्या है? बुखार. बुखार नहीं. हाँ ठीक है. इसमें क्या होता है? क्या होता है अनीमिया में बताइए? हेमोग्लोबिन की कमी होती है. क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है. आपका वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ वीडियो नहीं आ रहा है. हम देखो पीरियड देखकर. हाँ सर जी. तो एनीमिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज इन विच We have lackness of hemoglobin. हमारे अंदर हमारी बॉडी में अजीत सर in which we suffer from lackness of hemoglobin. हमारी बॉडी में. हाँ सही है. इस तरीके से मेरा वाला क्लास का कैसे आएगा? तो अनीमिया में बेटा हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. हेमोग्लोबिन को आयरन भी कहते हैं, है ना? हेमोग्लोबिन को हम आयरन भी कहते हैं. ओके ना पूछ लिया. नाउ द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ. अब अनीमिया के लिए, अब अनीमिया होने पर डॉक्टर ने क्या दिया? कुछ दवाइयां दी जो शरीर को ताकत देती, स्ट्रेंथ देती, है ना? एंड इट आल्सो इंक्लूड, ही आल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. और डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? आंवला खाने के लिए, जैगरी यानी गुड़ खाने के लिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. डॉक्टर एडवाइज आरती टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवला एंड जैगरी. तो डॉक्टर ने आंवला खाने के लिए कहा, गुड़ खाने के लिए कहा, और हरी पत्ते वाली सब्जियों को यूज करने के लिए बोला, क्योंकि इनसे आप अपने ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हो अपनी बॉडी में. ओके सो दिस वाज द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर
Now, Nancy is saying here, how can there be iron in our blood? अब हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? आयरन मीन्स तो लोहा होता है, हाँ, लोहे के हम फर्नीचर बनाते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, लेकिन आयरन हमारे ब्लड में कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हु आस्क्ड? नैन्सी. नैन्सी ने क्या पूछा? इज इट पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव आयरन इन आवर ब्लड? देन जस्टिगत इज saying here, there was something about in the newspaper yesterday. इसके बारे में कल के newspaper में भी कुछ दिया हुआ था. जस्टिगत क्या कहती है? There was something about this in the newspaper. Who said? जस्टिगत. Okay. अब देखिए रजत क्या कहते हैं. So then you ate iron or what? तो तुमने आयरन खाया या क्या खाया? अगर डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो क्या करेंगे हम? क्या चीजें खाएंगे? कौन सी चीजें हम खाएंगे? क्या लोहे के टुकड़े चबाएंगे? लोहे के चने चबाएंगे? हाँ, नो, वी आर नॉट गोइंग टू च्यू आयरन. इट इज नॉट पॉसिबल. हम क्या करेंगे? ऐसे चीजों को, खाने वाली चीजों को खाएंगे जिनमें आयरन की मात्रा होती है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ते वाली सब्जियां, या फिर आंवला, या फिर गुड़, जैगरी, है ना? दीज थिंग्स हैव आयरन. तो गजत ने क्या पूछा? हंसते हुए, लाफिंग. सो देन यू एट आयरन और व्हाट? तो तुमने आयरन खा लिया, डॉक्टर ने कहा तो? आरती क्या कहती है? सिल्ली, मूर्ख. This is not the iron used to make these keys. ये वो iron नहीं है जिससे हम चाबियां बनाते हैं, जिससे हम furniture बनाते हैं, जिससे दूसरे instruments बनाते हैं. ये वो iron नहीं है. ये किस तरह का iron है? I don't know exactly what it was. मुझे नहीं पता ठीक ठीक कि वो किस तरह का iron है, है ना? I don't know exactly what it was. कि वो क्या था? After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. So doctor ने, उन्होंने क्या कहा? कि doctor ने जो भी कुछ खाने के लिए कहा था, उन्होंने जो medicine दी थी और जो सब्जियां, गुड़, आंवला खाने के लिए advice किया था, उनको खाने के बाद मेरा hemoglobin level बढ़ गया पहले से. It went up. Hemoglobin level मेरी body में जो था वो पहले low था, बाद में वो क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? आफ्टर ईटिंग जैगरी, आंवला, ओके, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सो टर्न योर पेज नाउ एंड कम टू पेज नंबर 70. अपना अपना पेज पलटिए और जा पेज नंबर 70 पे आइए. देखिए यहां जो है अनिमिया is common in Delhi school. एक रिपोर्ट दी हुई है बेटा. Here is a report printed in your book under the heading anemia common in Delhi school. So here I can see Sarthak Singh. Sarthak, unmute yourself. Sarthak, unmute yourself and start reading. Do you have book? Sarthak? Sarthak? Yes, sir. हाँ, तो पढ़ना शुरू करो बेटा. Anemia common in Delhi school. On page number 70. Sarthak, I am waiting for you. Are you listening me? Yes, sir. Then start reading. Is there any problem, da? No, sir. Book है ना? हाँ. Yes, Sarthak? Sir. हाँ, तो कोई problem है? Sir. बोलो. आपकी volume clear नहीं आ रही है. नहीं, आप पढ़ना शुरू करो ना. मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ. मेरी volume को छोड़ो आप.
मेरी आवाज उठो, आप वहां से पढ़ना शुरू करो। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ तो पढ़ना शुरू कीजिए बेटा। यस। अगले आप जल्दी करो थोड़ा सा, डोंट वेस्ट टाइम। सार्थक नहीं पढ़ने की इच्छा है तो बता दो, मैं किसी और को बोलता हूँ। ओके, आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, आप नहीं पढ़ना चाहते हो शायद, है ना? नहीं पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो बताओ? क्या कारण है, क्यों चुप हो आप? 17 नवंबर 2007 से ऑन पेज नंबर 70 मिला। चलिए बेटा, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज साइड। आई कैन सी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आर यू लिसनिंग मी? अनम्यूट योर सेल्फ, पहले अनम्यूट करो अपने आपको। प्रतीक्षा अनम्यूट करो अपने आपको। यस सर। विल यू रीड? यस सर। देन स्टार्ट रीडिंग। 17 November 2007. Thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. Yes. This is affecting both their physical as well as mental health. Yes. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. Yes. This also affects their ability to study properly. Yes. Now, health checkups and being done in the schools and health cards are being made for all the children. Yes. Anemic children are also being given iron tablets. Okay. So this was all about anemia, the report which we have seen now. अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है बेटा, लिसन इट केयरफुली। ऑन 17 नवंबर 2007 में, नियर अबाउट 13 ईयर्स एगो, आज से 13 साल पहले की बात है ये। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम अनिमिया। दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे अनिमिया से सफर कर गए थे, अनिमिया से पीड़ित थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे अनिमिया से पीड़ित थे, आज से लगभग 13 साल पहले की घटना है ये। ओके, दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और इस अनिमिया बीमारी के कारण उन बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित हुआ, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो गए और उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। आपने कहावत सुनी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आप फिजिकली फिट हो गए तभी आप मेंटली फिट कह सकते हो। सो यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, है ना? अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। ओके, ऐसा ही उन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के बच्चों के साथ भी हुआ। वो अनिमिया से सफर कर गए थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम अनिमिया डिजीज विच इज ड्यू टू लैकनेस ऑफ आयरन और हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। अब यहां क्या हुआ देखिए, ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट गो वेल। इस अनिमिया बीमारी के कारण बच्चों की ग्रोथ नहीं हुई ठीक से, वो बड़े नहीं हो पा रहे थे ठीक से। दे वर लुकिंग यंगर देन देयर एज, जितनी उनकी एज थी उससे कम बड़े वो दिखाई देते थे, है ना? एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनकी बॉडी में एनर्जी का लेवल भी बहुत कम था, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो कुछ काम करना चाहें। ओके, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली।